नमस्कार, मैं सूरज नायडिंग, पहले बीजेपी में था। तो अभी कुछ कुछ कारण से जो इनजस्टिस मिल के जो बीजेपी के ऊपर जो लीडर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल का जो वो लोगों विचार में जो इनजस्टिस मिल के हम रिजाइन करा, और मैं अभी रिजाइन करने के बाद में रिजिग्नेशन देने के बाद में माहौर में माहौर फोर माहौर एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो राहुल नायडिंग कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करने जा रहा है उनको सपोर्ट किया है। इसलिए मैं माहौर का वासियों माहौर का जितना पब्लिक है उनको अपील करता, आने वाला काउंसिल इलेक्शन 8 तारीख में जो हर जाति हर धर्म जितना जाति है उनको अपील करता जो माहौर में उनको वोट देने के लिए, क्योंकि अभी देखिए हम लोग भी पार्टी में सीनियर है और मेरा साथी लोगों भी वोट है। जैसे मतलब जो पार्टी के लिए भलाई के लिए जो हम लोग भी तो निकला रहा, लेकिन पार्टी के लिए भलाई के लिए नहीं हो रहा है, किसी से आके हाईजैक कर रहे हैं टिकट। तो आदमी या में सुइटेबल कैंडिडेट वेनेबल कैंडिडेट बा सीनियर आदमी को रेस्पेक्ट देके भी नहीं देखा है। ऐसे में भी कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हुआ कोई कोई जगह, सब तो हम बोले नहीं सही है, लेकिन पार्टिकुलरली स्पेशली माहौर के लिए बाहर में जो भी हो लेकिन माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट राहुल नायडू का जोर देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और मैं सपोर्ट करके जो आशा है माहौर का मेरा जितना आदमी है हमसे हम जितना जानता है जानकारी है सबको साथ में मिलजुल है सब जाति धर्म है उनको साथ भी सपोर्ट देगा उनको आशा है, क्योंकि अभी आने वाला चुनाव में ऐसा नहीं जो डायरेक्टली बीजेपी का एगेंस्ट का बात है, क्योंकि एमपी में हम लोग अच्छा से अभी ये करेगा तो एमपी में भी हम लोग एक साथ देगा, लेकिन अभी के लिए जो लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट हो काउंसिल हो स्टेट का हो वो लोग को डिसीशन जो हम लोग जो सोचा इस लाइन में नहीं बोलकर हम लोग ये माहौर में हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राहुल को नायडू को मदद करने लगा। क्योंकि अभी देखिए ये चीज़ तो बार बार होगा, ये डिमासाओ डिस्ट्रिक्ट में जो मनी एंड मसल पावर इवन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही चलता है, जैसे ऐसे हो गया बहुत र्यूमर्स तो निकला है हम लोग बहुत सुना है, ये चीज़ कब तक चलते रहेगा। यहाँ में करोड़ करोड़ जो रुपया कंपटीशन हो रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अभी आने वाला दिन में फ्यूचर क्या होगा डिमासाओ डिस्ट्रिक्ट में। अभी इसमें जो रुपया जाने से तो काउंसिल तो कैसे संभालेगा, उसके लिए तो अलग से ये हो जाएगा बैठने से भी फिर ये हो। इसलिए ये आदत तो हम लोग ये कल्चर तो हम लोग तोड़ने जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ में इंडिपेंडेंट कोई कोई जगह में जिताने लगेगा, जैसे अभी कोई कोई जगह में सुइटेबल कैंडिडेट होगा उनसे, क्योंकि पार्टी से हम लोग दुश्मन नहीं, लेकिन आर्मी लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से हम लोग को ये कर रहा है, बार बार बोला जो विनेबल कैंडिडेट दीजिए ये दीजिए ये करे, तो ऐसे सोच के कैंडिडेट दीजिए फिर भी नहीं दिया, वो लोग अपना मर्जी में करता है, पब्लिक का आवाज़ तो सुनते ही नहीं, पब्लिक का पाल्स तो वो लोग नहीं सोचता है, तो ये दिन कितना ठीक तक चलेगा। इसीलिए ये कोई बात नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी में हम लोग को भी राइट देखना है, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट को राहुल नायडू को हम लोग माहौर में हम लोग सपोर्ट करना है, और हम अपील करता है यहाँ में जितना फिर अगेन अपील करता है जितना जाति है धर्म है उन लोग भी साथ में देगा, क्योंकि माहौर जैसे यहाँ में सिंपली बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ में सिंपली ईएम देने से नहीं होगा, इसमें बहुत कितना साल तक हम लोग ये नेग्लेक्ट हो रहा है, या मैं
टाउन एरिया में भी बोलो, रूरल एरिया में बोलो, पब्लिक का जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है अभी, इसमें हम लोग इसीलिए हम लोग सोचने पड़ेगा जो यहाँ में जो हम लोग ये राहुल नायडू को जीता के हम लोग कुछ ना कुछ उनको जिताए के हम लोग स्टेट में फाइट करेगा, उसको जो राइट है हम लोग मांगेगा और बाद में उसको क्या बोलेगा। एमपी का इलेक्शन का भी जरूरत है ना, एमपी में भी हम लोग राहुल नायडू का साथ जो जिन सपोर्ट किया वो लोग नहीं देने से वो लोग भी तो कहाँ वोट मिलेगा यहाँ में, इसलिए वो लोग को भी मजबूर हो जाएगा, यह अलग बात है। लेकिन अभी हम लोग राहुल नायडू का जिताने के लिए हम लोग हम यहाँ में पार्टी से भी रिजाइन दिया, क्योंकि पार्टी में होते हुए पार्टी का अगेंस्ट काम करना तो वो तो हम अच्छा नहीं लगता, इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से हम रिजाइन दिया। इसलिए सबको अनुरोध है कि बार बार मैं रिक्वेस्ट करता जो माहौर में हम लोग का राहुल नायडू कैंडिडेट को जिताने से अच्छा होगा बोल के रिक्वेस्ट करता। नमस्कार।